आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर विवादित बयान देकर चर्चा में आ गए हैं। केजरीवाल इस बार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव की जंग में उतर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर सियासी गलियारों में खूब सुगबुगाहट हो रही है। वहीं इस मसले को लेकर काफी सियासी बयानबाजियां भी चल रही हैं। इन बयानबाजियों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। केजरीवाल ने मनोज तिवारी पर वार करते हुए कहा कि तुम होते कौन हो, तुम्हारे बाप की दिल्ली है। ऐसा पहली बार नहीं है कि केजरीवाल अपने अपशब्दों को लेकर चर्चा में आए हों। इससे पहले भी कई बार सीएम केजरीवाल ऐसे शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। अब शब्दों की इस फेहरिस्त में अरविंद केजरीवाल ने अपना एक और बयान शामिल कर दिया। दिल्ली में एक जनसभा के दौरान केजरीवाल ने कहा कि गुजरात, आंध्र, बिहार सब जगह मुख्यमंत्रियों ने धरना दिया, इन राज्यों को भी आधा बना दो। इससे आगे उन्होंने मनोज तिवारी को संबोधित करते हुए कहा, तुम होते कौन हो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाले, तुम्हारे बाप की दिल्ली है। मनोज तिवारी कौन होता है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाला? केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी के पिताजी ने धरना नहीं दिया था। केजरीवाल के इस चुनावी मुद्दे को लेकर हाल ही में मनोज तिवारी ने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से देश के संघीय ढांचे को खतरा साबित हो सकता है। खबर चौराहा।